दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये कोई रिपेयर के बेस पे नहीं, वीडियो नहीं बना रिपेयर का। मैंने कोई फॉल्ट इसमें रिपेयर नहीं किया। आज का वीडियो जो हमारा बना रहे हैं हमें कुछ कमेंट्स हैं लगभग पैन रिपेयर वीडियो के। हर जो हमें मेरी वीडियो होती है पैन रिपेयर की, उसके नीचे कमेंट देखने को मिलता है। कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ टेक्नीशियन हैं, कमेंट करते हैं कि एक पैनल और टीकोन बोर्ड पर जो वोल्टेज होती है उन पर ट्रेसिंग करके कुछ डिटेल दे। कुछ हमारे टेक्नीशियन, उनको इसके बारे में कम नॉलेज होता है, तो कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आज देने वाला हूँ। वो बता रहे हैं कि उसको पैनल की जो वोल्टेज होती है कितनी कितनी होती है, उसको कैसे ट्रेस करें और उसको चेक करके मल्टीमीटर के साथ लाइव दिखाएँ, प्रूफ के साथ दिखाएँ। तो मैं आज वही वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो हमारे न्यू टेक्नीशियन है और पैनल पर वर्क कर रहे हैं, एलईडी पर वर्क करना स्टार्ट किया, जो पहले सीआरटी टीवी करते थे, तो उनमें उनको काफ़ी मुश्किल आती है। तो उन पर एक डिटेल वीडियो आज बनाने वाला हूँ उन्हीं कमेंट के ऊपर। उन्होंने कमेंट कर रखा जैसे कि, तो उसी के दौरान मैं उस कमेंट को लेकर चला हूँ आज। इसमें पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि पैनल में इनपुट वोल्टेज जो होता है उसके बाद क्या क्या सप्लाई बनती है। थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पैनल रिपेयर करने में आसानी हो। और साथ ही मैंने एक डायग्राम बना रखा है ताकि स्क्रीनशॉट लेकर आप उसके बारे में अच्छे से डिटेल बाद में ले सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपसे वो मिस ना हो। दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने एक पैनल को ओपन कर रखा है आपके सामने। दो कोफ का ये पैनल है और ये मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इसको पावर दे दिया, ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड पर है और जैसे कि आप देख पा रही हैं ये एलईडी ऑन हो चुका है। ऊपर बैकलाइट्स दिख रही है, देखिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब हमारा एलईडी स्टैंड बाई से रिलीज़ हो जाएगा, सबसे पहले वोल्टेज जो मिलेगा हमको यहाँ पर एलईडीएस कनेक्टर जो लगा है सोर्स पीसीबी में। जितना भी डिटेल में दे पाते, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना डिटेल आपको देने की कोशिश करूँगा। और जी ये देखिए, सबसे पहले इनपुट होगा 12 वोल्टेज। ये वोल्टेज 3.3 वोल्ट से लेकर 12 तक हो सकता है। 3.3 वोल्ट छोटी एलईडी में होते हैं 22 इंच से नीचे नीचे, 22 पर से 5 वोल्ट और 12 वोल्ट स्टार्ट हो जाता है। 32 वोल्ट और आगे की जितने बड़े पैनल हैं उसमें सभी में 12 वोल्ट मिलेगा। साथ में मल्टीमीटर में आपको डिटेल देता चलूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है जो ना रहे। ये देखिए, 12 वोल्टेज इनपुट हो चुका है पैनल में। उसके बाद ये हमारा मेन आईसी है जिसको हम गामा आईसी बोलते हैं और कुछ टेक्नीशियन इसको पेयर आईसी बोलते हैं। पेयर गामा या मेन आईसी इसको बोलो, ये सोर्स पीसीबी मेन आईसी बोलते हैं ज़्यादातर। इसके लिए सबसे पहले 3.3 वोल्ट आउट होगी जो यहाँ पर मेमरी लगा है उसके 8 नंबर पिन पर। यहाँ पर आपको टेस्टिंग पॉइंट भी मिल जाएंगे, देखिए V33 लिख रखा है, यही है 3.3 वोल्ट। सबसे पहला वोल्टेज होगा गामा आईसी या मेन आईसी या पेयर आईसी के लिए। उसके बाद एक ड्राइव आएगी जो डीसी टू डीसी आईसी पर जाएगी, वो कोई भी हो सकती है, उसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ मोटा मोटा से, इस पर 3.3 वोल्ट जब इस पर प्रेजेंट हो जाएगी उसके बाद ये आईसी वर्क करेगा। सबसे पहला वोल्टेज इस पर बनेगा, यहाँ पर सभी वोल्टेज लिख रखा है, कई बार पैनल में लिखा नहीं होता, सिर्फ आपको अनुमान लगाना पड़ेगा वो वोल्टेज के हिसाब से। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई जो बनेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ वो कहाँ पर बन रहा है। ये देखिए, सबसे पहला वोल्टेज जो डीसी टू डीसी ऐसी आउट करेगा वो है एवीडीडी। वही बात है, कुछ कई तरह के नाम है सप्लाई के, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है आप देख पा रहे होंगे, मैं क्वालिटी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए दिख रहा है VDDA, ये AVDD भी लिखा हो सकता है, VDDA भी हो सकता है। एक सप्लाई के 3 से 4 नाम भी हैं, 2 भी हो सकते हैं, मैं वो आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। यहाँ पर वोल्टेज जो मिलेगा ये AVDD वोल्टेज से 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक ये हो सकता है और ये लगभग 13 वोल्ट के आसपास हमको मिल रहा है। इसके बाद सप्लाई सभी बनेंगी। बात सप्लाई की करें तो इसमें 5 सप्लाई हमको पैनल को चलाने के लिए ज़रूरी चाहिए। इनको मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहले AVDD हो गया, उसके बाद ला लो VGH, मैं उसको देख लेता हूँ कहाँ पर, ये रही VGH जो हो सकती है 20 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक।
यहाँ पर इसका टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है। देखिए वैसे तो मैं हर पैनल को रिपेयर करते वक्त हर डिटेल में साथ साथ में देता रहता है, लेकिन कुछ है डिटेल्स जो पूरा नहीं दे पाते, वही डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। यहाँ पर वीजीएच का टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है और आप देख सकते हैं ये वोल्टेज 30 वोल्टेज मतलब 30 वोल्टेज पूरा है। और इसी के साथ में जो ये सप्लाई आउट होकर इस सर्किट में ही रह गया, जो सप्लाई कोफ में जाएगा वो यहाँ पर रहा। ये VGH ही है, ये VGHM है जो इस सिग्नल के साथ आउट होकर चला जाता है कोफ में। ये दोनों सप्लाई एक ही है, मान सकते हैं इतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी मिलेगा, 1-2 वोल्ट कम हो सकता है, लेकिन ये पूरा ही है 30 वोल्टेज। मतलब पहला भी AVDD हो गया, दूसरा हो गया VGH, तीसरा वोल्टेज मान के चलो VGL, जो हो सकता है -5 वोल्ट से लेकर -11 वोल्ट तक हो सकता है। और यहाँ पर VGL लिख रखा है, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए VGL लिख भी रखा है, देखिए जो -5 वोल्ट से 11 वोल्ट तक हो सकता है, जो हमारा 6 वोल्ट के आसपास बन रहा है देखिए। और उसके बाद रह गया VCOM, ये रहा VCOM, ये देखिए VCOM, जो वोल्टेज VCOM है वो 5 वोल्ट से 7 वोल्ट के बीच में मिलेगा, जो हमारा 5 वोल्ट बन रहा है देखिए। तो एक सप्लाई 3.3 वोल्ट है जो सबसे पहले बनेगा, उसके बाद 4 सप्लाई बनेगा, जो जैसे पहला AVDD, फिर VGH, फिर VGL, फिर VCOM। सिर्फ 5 सप्लाई हमारे पैन को ऑपरेट करने के लिए चाहिए टोटली। यही सप्लाई आपको चेक करनी है, ये बन रही है तो आपको फिर और डिटेल आपको देखनी चाहिए और जगह फॉल्ट को देखना चाहिए। सिर्फ सप्लाई का सिर्फ जो बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 5 ही सप्लाई हमको पैनल में देखने को मिलेंगी। और मैंने विद मल्टीपल मल्टीमीटर के साथ ट्रैक करके वोल्टेज दिखा दी है, जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं उनके मन में जो डाउट था शायद निकल गया होगा। और इसी 5 सप्लाई पर ही हमारा पैनल वर्क करता है। कुछ में जो हमारे सिंगल कोफ पैनल है, मैं एक बार पैनल को स्केलर को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए कुछ हमारे ये सिंगल कोफ के जो हमारा पैनल आ रहा है लेटेस्ट 32 इंच में, उसका ये स्केलर PCB है। इसमें 3.3 वोल्ट जो IC के लिए है, इसमें एक ही IC लगा है टोटली, इसी के अंदर सब कुछ है। 2 IC में अलग अलग होते हैं लेकिन इसमें एक ही है। और इसमें 1.8 वोल्ट यहाँ पर दे भी रखा है देखिए, ये देखिए कुछ पैनल में 3.3 वोल्ट के साथ में 1.8 वोल्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि होगा लेकिन हो सकता है। और 3.3 वोल्ट की बात करिए, ये रहा इसका टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर दे रखा है देखिए, 3.3 वोल्ट का कॉल है यहाँ पर, 3 वोल्ट हमको मिलेगा, मतलब 3.3 वोल्ट तो सब में मिलेगा लेकिन 1.8 वोल्ट ज़रूरी नहीं है कि सब में मिलेगा। तो अभी इसमें यदि कन्फ्यूज़न रह गया तो एक बार मैं डायग्राम पर भी आपको ध्यान लगाना चाहता हूँ कि आपके समझ में आए। जो ये वोल्टेज है 5 वोल्टेज, वो एक ही नाम से नहीं मिलता जैसा आप जानते हैं, उसमें क्या क्या नाम हो सकता है, मैंने उसमें आपको टोटल डिटेल देने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये रहा वो डिटेल, मीटर से मैंने आपको एक पैनल में डिटेल दे दिया है, साथ में डायग्राम में भी आपको डिटेल देता हूँ ताकि कभी कोई सप्लाई किसी और नाम से लिखा हो और आपको उसमें उलझन ना हो। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये देखिए LED TV पैनल वोल्टेज जो डिटेल है, ये इस तरह से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो वोल्टेज पैनल में इनपुट होगा वहाँ पर VIN, VAA, VCC कुछ भी लिखा हो सकता है। ये पैनल 3.3 वोल्ट का हो सकता है, 5 वोल्ट का हो सकता है और 12 वोल्ट का भी हो सकता है। उसके बाद जो वोल्टेज बनेंगी वो 5 वोल्टेज हैं जो पैनल में पैनल को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, और वो 5 वोल्टेज को क्या नाम से जानते हैं वो सभी मैंने इसमें लिख लिया है। जितने वोल्टेज मैंने देखा है जिस नाम से, वो मुझे जहाँ तक अनुमान है वो मैंने कंप्लीट लिख दिया है, शायद इसमें कोई मिस भी नहीं होगा। जो 3.3 वोल्ट मेन IC के लिए आउट होगा DC to DC IC से, सबसे पहला उस पर लिखा हो सकता है VDD, एक है V33, मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए जो 3.3 वोल्ट आउट होगा वो VDD, DVDD या V33, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सबसे पहला वोल्टेज बनेगा जो उसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर AVDD लिखा होता है लेकिन उसकी जगह पर जैसे हमने इस पैनल में देखा AVDD के बाद VDDA हो सकता है, V सोर्स हो सकता है,
तीनों नाम में से कोई भी हो सकता है, कुछ में लिखा भी नहीं होता, आपको वोल्टेज से ही अनुमान लगाना पड़ेगा। जो वोल्टेज है मिनिमम 12 वोल्टेज और मैक्सिमम 18 वोल्ट तक ये हो सकता है। उसके बाद है मान लो VGL है, इसको हम वी ऑफ भी लिखा हुआ देख सकते हैं किसी किसी पैनल में, वी ओ डबल एफ या फिर वी जी ओ डबल एफ, तीनों नाम ज़्यादातर मिलते हैं लिखे हुए हमको। और ये सप्लाई है जो, एक बार इसमें नेगेटिव लगा लेता हूँ, देखिए ये नेगेटिव 5 वोल्ट से लेकर नेगेटिव 11 वोल्ट तक हो सकता है। उसके बाद VGH की बात करें, VGH के साथ में वी ऑन लिखा हो सकता है, वी जी ऑन लिखा हो सकता है, वी डी डी जी लिखा हो सकता है, जो सप्लाई मिनिमम 20 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट से, इवन 33 भी देखा कई बार, मैक्सिमम चांस है कि 20 से 32 वोल्ट के बीच में ही हमको मिलेगा। उसके बाद जो सप्लाई वी कॉम है, जो 5 वोल्ट से लेकर 7 वोल्ट मिलेगा, ज़्यादातर वी कॉम यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो ये सप्लाई है, यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते तो आपको इस पिक्चर में मैंने इस अभी देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सप्लाई डिटेल्स को, और बाद में आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में टोटली जो भी आपके मन में डाउट था उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, और दोस्तों आशा करता हूँ ये जो मैंने डिटेल दिया आपको पैन रिपेयर करने में काफ़ी मदद करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, इसको इससे ही हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।